हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम अल्फाबेट को लर्न करते हैं। आप कहोगे सर, अल्फाबेट को लर्न करने की क्या जरूरत है, हमने तो ये बचपन में कर लिए थे। पर भैया, हमें विद नंबर याद नहीं थे, हमें बस ऐसे याद थे, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से याद थे। हमें ये याद नहीं था कि वी वी का नंबर 22 होता है, हमें यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, एल का 12 होता है, क्लियर दोस्तों, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, इस तरीके से हमें याद होना चाहिए। जे का अपोजिट क्यू होता है, ठीक है, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, इस तरीके से आई का अपोजिट आर होता है, इस तरीके से हमें अल्फाबेट आज मैं आपको लर्न करना सिखाता हूं। और इससे दोस्तों चार टॉपिक हमारे चलते हैं, चार पांच टॉपिक अल्फाबेट से। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग इससे चलता है, वर्णमाला परीक्षण इससे चलता है, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट इससे दोस्तों हमारा वो क्या बोलते हैं, सादृश्यता एनालॉजी हमारी चलती है। तो तीन चार टॉपिक इसी से हमारे रिलेटेड होते हैं। तो हमें ये ना सोचना चाहिए कि हम अल्फाबेट को याद करके क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम तो एग्जाम में लिख लेंगे, आपको लिखना नहीं है, वहां तुरंत आपको याद होना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं ये ए बी सी डी तक तो आप याद हैं, आपको पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, ई जो टी, क्लियर दोस्तों, 5, 10, 15, 20 और 25, क्लियर दोस्तों। दूसरा होता है सिफिलोर, इसमें तीन की टेबल चलती है भैया, उसमें 5 की, इसमें 3 की, 3, 6, 9, 12, 15 और ये 18, क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एफ फिक्स है कि ये 6 है, एफ क्या है, फिक्स है कि ये 6 है। अब देखिए दोस्तों, जी जी को हम ऐसे बनाते हैं, और जी का अगर ये हिस्सा मैं हाइड कर दूं, छुपा दूं, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 7, यानी जी के अंदर ही क्या है, नंबर पड़ा हुआ है 7, तो जी का नंबर भी क्या है, 7। अब देखिए दोस्तों, आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहां डिजिटल क्लॉक देखी होगी, तो उसमें इस तरीके से देखिए, इस तरीके से 8 का अंक इस तरीके से होता है, ऊपर नीचे के डंडे गायब होते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे देखना आप ध्यान से। तो एच की आकृति जो शेप होती है वो डिजिटल क्लॉक के 8 के जैसी होती है। हम इंग्लिश में आई इस तरीके से भी बनाते हैं, और हम ऐसे बोलते भी हैं कि भैया आई नो दिस, यानी हम जानते हैं, आई नो, तो आई का नंबर कितना, 9। अब देखिए दोस्तों, जे और के, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर से नेशनल हाईवे 10-11 निकलता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, या जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जाते हैं, क्लियर दोस्तों, इस प्रकार भी, या जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, क्लियर दोस्तों। आगे दोस्तों देखिए, जे एंड के का मैं लिख देता हूं 10 एंड 11। आगे देखिए दोस्तों, एल, एल से भैया मुझे याद आता है लव, क्या याद आता है, लव, और लव करने वाले के भैया सीधे सीधे कितने बजते हैं, 12 बजते हैं, कितने बजते हैं दोस्तों, 12 बजते हैं, तो एल का नंबर कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। आज दोस्तों, वैसे तो तुम खूब लड़कियों के पीछे घूमते हो, आज तुम्हें मैं एक मैडम का नंबर दूंगा, मैं और ऐसा नंबर दूंगा जो तुम कभी भी लगाना, फोन रुकेगा नहीं, हमेशा लगेगा, लगा के चेक कर लेना। तो मैं मैडम का आपको नंबर दे रहा हूं भैया, 13 और 14, क्या नंबर दे रहा हूं, 13 14, कभी नहीं भूलोगे, मैडम का नंबर याद रख लो। ओ देखिए, ओ याद कर लोगे, या ओ एम आर का पेज कितना, 15 16 कितना 15 16, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। पी ऐसे होता है, पी को जस्ट उल्टा करोगे तो पी ऐसा हो जाएगा, एक आगे लगा दोगे तो 16, पी का नंबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्यू आर एस, अब देखिए भैया, क्यू आर एस, अब देखिए दोस्तों,
जब लड़की 17 साल की हो जाती है तो अपने आप को क्या समझने लगती है, क्यून समझने लगती है, क्या समझने लगती है, क्यून। गली में तेरा ही जलवा, तो लड़की क्यून कितने साल की हो जाती है, 17, तो क्यू का नंबर भी 17, और 17 पर तो क्या हो जाता है, खतरा, आप सब जानते हैं। इधर देखिए, अब लड़की जब 17 साल की क्यून समझने लगेगी तो लड़का क्या समझेगा खुद को, राजा, यस या नो, समझेगा भाई। और राजा कितने साल का समझेगा, 18 साल का, कितने साल का, 18 साल का। रानी 17 की, राजा 18 का, दोनों ने शादी कर ली और पुत्र हो गया कितने साल का, 19 साल का। सन कितने साल का हो गया, 19 साल का। एस का नंबर कितना हो गया, 19। या फिर एस ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, हम एस को इस तरीके से बनाते हैं और अगर इसको मैं मिला दूं तो 9 का सा बनता है, एक आगे लगा दूं तो 19, क्योंकि 9 इसका नंबर नहीं हो सकता, एक का होता है, 29 अल्फाबेट नहीं हो सकते, तो क्या आएगा, 19। क्लियर दोस्तों। अब T20 जो अभी IPL रुका पड़ा है लॉकडाउन के चक्कर में, तो टी का नंबर क्या हुआ, 20, 20 बिस्किट भी आता है दोस्तों। क्लियर। यू से याद आता है मुझे युवा, और भैया सरकार ने कह रखा है कि भैया देखो घर की सरकार भले ही आप 18 साल के बना लो, घर की सरकार भले ही कितने साल के बना लो, 18 देश की, माफी चाहता हूं, देश की सरकार भले ही 18 साल के बना लो, लेकिन घर की सरकार अगर आपको बनानी है तो युवा होना पड़ेगा, और युवा कितने साल का, 21 साल का होना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। आगे वी से विक्ट्री का साइन ऐसे होता है, दो ऐसे होता है विक्ट्री का साइन, दो यानी 22। देखिए दोस्तों, एक तो बी होता है बी फॉर बेबी, और एक होता है बी फॉर विक्ट्री। ये छोटी है, बेबी छोटी होती है, और ये विक्ट्री बड़ी होती है ना, तो बी बेबी के चक्कर में विक्ट्री नहीं खोनी अपने को, बेबी के चक्कर में क्या नहीं खोनी, विक्ट्री, क्योंकि बेबी छोटी होती है, विक्ट्री बड़ी होती है। तो इसका अगर 2 है तो इसका कितना होगा, 22 होगा, कितना होगा, 22 होगा। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड का आप स्वयं याद कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्वयं याद कर सकते हो। क्लियर है ये। अब दोस्तों इसके बाद आता है अपोजिट याद करना, विपरीत। तो विपरीत का, दो विपरीत का योग हमेशा 27 होता है दोस्तों, विपरीत का योग कितना होता है, 27 होता है, दो विपरीतों का योग। अब देखिए, और विपरीत का फॉर्मूला होता है, विपरीत मैं यहां लिख रहा हूं, विपरीत बराबर 27 माइनस सीधा। देखिए कैसे, मुझे f का विपरीत याद करना है, तो 27 में से f का नंबर में घटाऊंगा, तो f का नंबर है 6, तो 6 घटाऊंगा तो बचेगा 21, और 21 पे क्या आता है, u, तो f का अपोजिट क्या आएगा, u। ये तो हमारा फॉर्मूले बात हो गई, लेकिन हमें सीधा याद रखना है। देखो भैया, आज बॉय यानी लड़के, क्या, लड़का क्रैक्स खाएगा। भैया पुराने जमाने के जो लोग थे वो तो छाछ में ही खाते थे, है ना, गांव के लोग। अब बच्चों को क्या चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को क्रैक्स, कुरकुरे चाहिए, और कुरकुरों में कौन सी ब्रांड, क्रैक्स पसंद ज्यादा करते हैं। तो आज बॉय क्या खाएगा, क्रैक्स खाएगा। अब लड़कियां जो पढ़ रही है, ये मत सोचना कि हम नहीं खाती, खाती वो भी है, पर करते सब बदनाम लड़के होते हैं, है ना। तो बॉय कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, है ना, ये तो संसार का नियम है। इधर देखिए, अब आइए आगे, दूध वाला। अब भैया दूध वाला सब सिटी में सबके घर पे आता है, और वो कभी कभी शाम को कहता है कि आंटी जी, बहन जी, आज दूध कम पड़ गया मेरे पास। अब क्यों कम क्यों पड़ गया, क्योंकि पड़ोस वाले के रिश्तेदार आ गए होंगे, पड़ोसी ने ज्यादा ले लिया होगा, और ज्यादा ले लिया होगा तो क्या होगा दोस्तों, दूध कम पड़ेगा आपको, इसलिए वो तो दूध फिक्स लाता है। अब ये बात अलग है कि रास्ते में पानी मिला दे, पूरा कर दे, लेकिन वो ईमानदार दूध वाला, उसने बोल दिया भाई आज दूध कम है मेरे पास। तो अब रिश्तेदार किसी के कब आते हैं, इवनिंग में शाम को आते हैं, तो दूध भी कब पड़ेगा, कम शाम को पड़ेगा। देखिए दूध वाला, अब कुछ लोग दूध बाली भी करना चाहते हैं तो वो भी कर लो, पर दूध बाली के पास लेने जाना पड़ता है और बाला देने आ जाना जाता है, समझ रहा। तो दूध वाला इवनिंग को फ्यू दूध लाया, कम दूध लाया। द्वारा दूध वाला इवनिंग को फ्यू दूध लाया। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों,
एक बार हनी सिंह और जयपुर की उनके दिमाग में जची कि हमें घूमने जाना चाहिए। अब इधर से हनी सिंह निकला और इधर से जयपुर की उन निकल गई। अब दोनों एक ही ट्रेन में बैठ गए और डिब्बे में, एक ही डिब्बे में एक ही जगह जगह पास में बर्थ मिल गई दोनों को, और दोनों को एक ही जगह जाना था घूमने, ग्रैंड ट्रंक रोड देखने जाना था जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्लियर, आप सबको पता है। तो दोस्तों जीटी रोड घूमने जा रहा है कौन? हनी सिंह। जीटी रोड पर घूमने जा रहा है हनी सिंह। किसमें बैठ के जा रहा है? इंडियन रेलवे में बैठ के जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? जयपुर क्यून के साथ जा रहा है। किसके? जयपुर क्यून के पास बैठ के जा रहा है दोस्तों। द्वारा जीटी रोड घूमने जा रहा है कौन? जा रहा है हनी सिंह जा रहा है। इंडियन रेलवे में बैठ के जा रहा है। जयपुर क्यून के पास बैठ के जा रहा है दोस्तों। अब जयपुर क्यून और हनी सिंह, अब हनी सिंह को आप जानते ही हो और जयपुर क्यून तो भाई सुंदर ही होगी। अरे सुंदर होगी या नहीं होगी? जो क्यून है तो वो तो सुंदर होगी। अब दोनों हनी सिंह को क्या हो गया? लव हो गया मैडम से। क्या हो गया? लव हो गया। किससे? जयपुर क्यून से लव हो गया। और लव हो गया तो उसने क्या कर दिया? मन की बात बोल दी। क्या बोल दी? मन की बात बोल दी। अब देखिए दोबारा देख लीजिए। आज बॉय बी वाई क्रैक्स खाएगा सी एक्स दूध वाला डी डब्ल्यू इवनिंग को शाम को फ्यू दूध यानी कम दूध लाया। जीटी रोड पर कौन घूमने जा रहा है? हनी सिंह जा रहा है। किसमें बैठ के जा रहा है? इंडियन रेलवे में बैठ के जा रहा है। किसके पास? जयपुर क्यून के पास बैठ के जा रहा है। के पास बैठ के जा रहा है केपी। और क्या हो गया? लव हो गया। और मैडम का को क्या बोल दिया उसने? मन की बात कह दी। क्या कह दी? मन की बात कह दी। अब ये लव जो वर्ड है उससे मुझे और याद आता है एक बात। देखिए क्या, लव जब जुड़ता है तो सनम जीऊं तेरे साथ मरूं तेरे साथ, है ना, तेरे पूछे बिना बाबू सोना के बिना खाना नहीं खाऊंगा, यही होता है ना। और जब टूटता है तो तू मेरी गली में आ गया ना तो पीछे से कुत्ते लगा देने तेरे, यही होता है। क्या होगा? अगर तू मेरी गली में आ गया तो क्या लगा दूं मैं? कुत्ते लगा दूं। यानी टूटता है तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? विपरीत। और लव में पड़ गई दरार। तो देखिए एल ओ के विपरीत हो गया और बी ई के विपरीत हो गया। क्लियर दोस्तों? ये आपका अल्फाबेट याद करने का, अपोजिट याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कभी देखिए दोस्तों, अगर आपको अल्फाबेट याद कराने का तरीका अच्छा लगा हो और आपको याद हो गए हो अपोजिट और अल्फाबेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियोज को लाइक करिए, और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूर ना भूलें। तो दोस्तों बिल्कुल तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।